अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम हीट लाइटनिंग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रेड 11th का, और हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। जब सेकंड मैन की एंट्री होती है वहां से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक मिल जाएगा, और आपके सिलेबस में जो 20 पॉइंट्स हैं वो पूरी की पूरी मैंने सॉल्व कर दी हैं, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और आपके जो बुक वन के जो चैप्टर्स हैं वो भी मुकम्मल के मुकम्मल मैंने सॉल्व कर दिए हैं, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलें आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से पढ़ा था द मैन पुशेस हर इन टू द रूम क्विकली, कि वो उस औरत को अंदर की तरफ धक्का देता है, और जो सेकेंड मैन है जो दूसरा आदमी जिसकी कहानी में एंट्री हुई है, आउटसाइड द डोर, वो दरवाजे के बाहर है, एंड रैटल्स द डोर विशियसली वंस मोर, वो एक दफ़ा फिर जो है वो दरवाजे को क्या करता है, वो तेजी के साथ दरवाजे को खटखटाता है, ठीक है, धक्का देता है। लेट मी इन, ओपन दिस डोर, लेट मी इन, वो कहता है कि दरवाजा खोलो मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोलो मुझे अंदर आने दो। तो जो पहला आदमी जो अंदर पहले से मौजूद है वो कहता है कि वॉट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए। तो जो दूसरा आदमी वही कहता है, जो बाहर से ही कहता है कि आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टोर, मैं इस तूफान से बचना चाहता हूँ। वट द हेल डू यू थिंक आई वॉन्ट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या क्या चाहता हूँ, मुझे क्या और मुझे क्या चाहिए। वट इज़ द आइडिया ऑफ लॉकिंग दिस डोर, तुमने ये कुंडी क्यों लगाई हुई है, यू थिंक यू ऑन दिस प्लेस, तुम्हें लगता है ये जगह तुम्हारे बाप की है। द मैन गोज टू द डोर स्लोली, वो जो आदमी अंदर है वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ जाता है, थ्रोज बैक द बोल्ट, कुंडी को नीचे करता है, एंड द सेकेंड मैन एंटर्स क्विकली, और जो दूसरा आदमी है वो जल्दी से अंदर दाखिल हो जाता है। ही इज़ अ नॉन डिस्क्रिप्ट sort of person, और वो जो आदमी है वो एक नॉन डिस्क्रिप्ट sort of person के, वो एक मामूली सा आदमी है, टॉल, लंबा उसका कद है, नाइस लुकिंग, खूबसूरत है, एंड अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज, और उसकी जो उम्र है वो तकरीबन 30 साल है। ही लुक्स अबाउट द रूम एज ही एंटर्स, जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है वो कमरे को देखता है और कहता है कि यू हैव गॉट नो राइट टू लॉक द डोर, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इस जगह को कुंडी लगाओ, कीपिंग पीपल आउटसाइड इन दिस काइंड ऑफ वेदर, कि तुम्हें तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह के मौसम में कुंडी लगाओ और लोगों को बाहर खड़ा करो। द सेकेंड मैन मूव्स अप टू द स्केजुअल ऑन द वॉल, जो दूसरा आदमी जो अभी दाखिल हुआ है वो जो दीवार के ऊपर जो बसों की आमदोरफ्त का जो शेड्यूल लगा हुआ है उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि हैज देयर बीन अ बस, क्या कोई बस आई है। तो जो पहला आदमी वो कहता है कि नो नॉट येट, अभी नहीं आई। तो दूसरा आदमी कहता है कि लेट, हाँ गुड, अच्छा मतलब देर से आएगी, चलें ये तो अच्छा है। तो पहला आदमी कहता है वाई, क्यों। तो दूसरा आदमी कहता है वाई, क्यों, आई वुड हैव मिस्ड इट इफ इट वर ऑन टाइम, वुडंट आई, कहता है कि क्यों का क्या मतलब है, अगर बस अपने टाइम पर आती तो मैं तो मेरी तो बस छूट जाती। तो पहला आदमी कहता है यस ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैंने कितनी बेवकूफ़ी वाली बात की है। तो दूसरा आदमी कहता है कि देर इज समवन एल्स हेयर इजंट इट, कि यहाँ पर कोई दूसरा भी है। तो पहला आदमी कहता है कि व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। तो दूसरा आदमी कहता है कि आई सॉ समबडी एल्स व्हेन आई लुक्ड इन, कि जब मैंने अंदर देखा तो मुझे कोई और भी नजर आया था। तो आदमी कहता है देयर, ठीक है वहां। तो दूसरा आदमी कहता है अ गर्ल वाजंट इट, कि वो जो दूसरा आदमी मुझे दिखाई दिया वो शायद एक लड़की थी। अच्छा अब द टू मैन लुक एट ईच अदर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए वो दोनों आदमी जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन द फर्स्ट मैन वॉक्स टू द डोर वेयर द गर्ल हैज गॉन एंड नॉक्स ऑन इट, फिर पहला आदमी जो है वो उस दरवाजे की तरफ जाता है जहां से औरत अंदर गई थी, लड़की अंदर गई थी, और दस्तक देता है। द डोर ओपन स्लोली एंड द गर्ल एंटर्स, आहिस्ता से दरवाजा खुलता है और लड़की अंदर आती है। व्हेन शी सीज द अदर मैन स्टैंडिंग इन द रूम, जब वो दूसरे आदमी को कमरे में खड़ा देखती है, शी स्टार्ट्स टू क्राई आउट, वो रोना शुरू कर देती है, ठीक है चिल्लाना शुरू कर देती है। बट द मैन पुट्स हिज फिंगर टू हिज लिप्स कन्वेइंग साइलेंस टू हर एंड देन गाइड्स हर डाउन स्टेज टू द बेंच, लेकिन वो आदमी जो है वो पहला आदमी जो है वो अपनी उंगली जो है वो अपने ही होंठों पर रखकर उसको खामोश रहने का इशारा करता है और फिर उसे स्टेज के निचली तरफ जो बेंच पड़ा हुआ है उसके ऊपर उसको ले जाता है। दूसरा आदमी कहता है कि आई थॉट यू सेड, तो दूसरा आदमी कोई बात करने लगता है, वो कहता है कि मैंने समझा कि शायद तुमने ये कहा है, ये वो अपनी बात अभी उसने कंप्लीट नहीं की होती। पहला आदमी कहता है कि आई डिडंट से एनीथिंग, कि मैंने कोई बात नहीं की। तो सेकंड मैन कहता है कि यू ट्राई टू टेल मी देयर वाज नो वन एल्स हियर, कि तुमने मुझे ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, आई थॉट देयर वाज, मेरा ख्याल था कि। तो पहला आदमी कहता है कि डिड यू, क्या तुमने यही समझा। तो दूसरा आदमी कहता है ये आई वॉज श्योर देयर वॉज, मुझे यकीन था कि कोई दूसरा यहाँ पे है, कि मुझे यकीन था कि कोई है। वट वॉज द आइडिया ऑफ लाइंग, कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे।
झूठ बोलने की तुम्हारे जहन में सोच कैसे आई? तो पहला आदमी कहता है कि आई वॉजेंट कॉन्शियस ऑफ लाइंग अबाउट एनीथिंग, मुझे तो नहीं पता कि मैंने किसी चीज के हवाले से झूठ बोला हो. तो दूसरा आदमी कहता है कि ये आई गेस आई एम इमेजिनिंग थिंग, मुझे लगता है कि मैं शायद चीजें फर्ज कर रहा हूँ. ओ वेल फॉरगेट इट, अच्छा चलो खैर छोड़ो. हाउ फार यू गोइंग, कि तुम कहाँ तक जा रहे हो, कितनी दूर तक जा रहे हो? तो पहला आदमी कहता है जस्ट इन टू द टाउन, कि मैं सिर्फ शहर तक जा रहा हूँ. तो दूसरा आदमी कहता है कि हाउ अबाउट यू मिस, कि आप कहाँ तक जा रही हैं? तो लड़की कहती है कि नॉट फार, कि मैं भी इतनी दूर नहीं जा रही. द सेकेंड मैन स्टार्ट्स मूविंग डाउन टुवर्ड्स द गर्ल, ठीक है, वो जो दूसरा आदमी जो अभी एंटर हुआ था वो लड़की की तरफ जाना शुरू कर देता है. शी सीज हिम कमिंग, वो उसको आते हुए देखती है एंड मूव्स ओवर टू द वॉल, और दीवार की तरफ मुड़ जाती है, अपीयरिंग टू रीड द स्केजुअल, और वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो निजामुल औकात, यानी कि वो जो स्केजुअल लगा हुआ है उसको वो पढ़ रही है. तो सेकेंड मैन जो है वो कहता है कि इट्स प्रीटी लेट इजंट इट, कि गाड़ी को काफ़ी देर हो गई है. आई वॉज इन लक डोंट यू थिंक, तो मैं नहीं लगता कि मैं मेरी किस्मत अच्छी थी, ठीक है. तो आई टोल्ड दैट टू आवर फ्रेंड हेयर बट ही डिडंट गेट इट, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो दूसरा बंदा है उसको भी मैंने बताया है लेकिन उसको मेरी बात समझ नहीं आई. आई विल बेट शी इज स्मार्टर देन यू आर. तो वो कहते हैं कि यू नो वो उस लड़के बंदे को मुखातिब होकर दूसरा आदमी कहता है कि मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि ये लड़की जो है वो तुमसे ज़्यादा क्या है, तुमसे ज़्यादा चालाक है. तो पहला आदमी कहता है कि यस आई सपोज शी माइट बी, तो कहता है कि हाँ मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा ही होगा, ये लड़की मुझसे ज़्यादा चालाक होगी. तो दूसरा आदमी नोटिसिंग द गर्ल्स नर्वसनेस, वो जब देखता है कि लड़की घबराई हुई है तो कहता है कि से यू लुक प्रीटी नर्वस अबाउट समथिंग, वो कहता है कि तुम मुझे डरी हुई लग रही हो. स्टॉर्म अपसेट्स योर प्लान्स, तुम तूफान की वजह से परेशान हो. यू कैन एक्सपेक्ट स्टॉर्म टू स्लो अप बसेस, तो वो कहता है कि यू नो तूफान जब आता है तो बसें तो लेट हो जाती हैं. इफ़ पीपल वर स्मार्ट दे वुडंट बी आउट ऑन अ नाइट लाइक दिस, कि अगर लोग जो है वो समझदार होते तो वो इस तरह के मौसम में बाहर ही ना निकलते, ठीक है. जस्ट ट्राई टू गेट समवेयर व्हेन इट स्टॉर्म्स, कैन नॉट बी डन स्पेशली इफ़ यू आर इन अ हरी. तो कह रहा है कि बस जब तूफान आए तो इंसान को कहीं ना कहीं पनाह लेनी चाहिए, मगर जब इंसान को जल्दी होती है तो फिर इंसान को पनाह लेने की भी होश नहीं होती. तो लड़की कहती है कि आम इन नो पर्टिकुलर हरी, कि वो कह रही है कि मुझे कोई इतनी खास जल्दी नहीं है. तो दूसरा आदमी कहता है कि वेल आई एम श्योर एज हेल आई एम, कि मैं तो ज़रूर जल्दी में हूँ, बट देर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट आई गेस, लेकिन मेरे ख्याल में मैं इस अपनी जल्दी का कोई इलाज नहीं कर सकता. देर इज अनदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली दोबारा चमकती है एंड द लाइट डिम्स वेरी स्लो अगेन, और कमरे की रोशनी जो है वो दोबारा से बहुत मध्यम हो जाती है. द गर्ल इज प्रेस्ड अगेंस्ट द राइट विंडो इन फियर, लड़की जो है वो डर के मारे जो है वो खिड़की के साथ चिपक जाती है. द लाइट रिकवर्स, और कमरे की रोशनी जो है उतनी देर में दोबारा बहाल हो जाती है. तो दूसरा आदमी कहता है कि से यू आर रियली अपसेट आर्ट यू, तो कहता है कि हाँ बताओ तुम, मुझे तो तुम वाकई बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो. हैज समबडी बीन बॉदरिंग यू, क्या तुम्हें किसी ने तंग किया है? द सेकेंड मैन मूव्स टूवर्ड्स हर अगेन, तो दूसरा आदमी जो है वो दोबारा से उसकी तरफ आता है और कहता है कि तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? तो लड़की कहती है कि इट्स जस्ट अ स्टॉर्म, कि बस मैं तूफान की वजह से परेशान हूँ. तो दूसरा आदमी कहता है कि अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, तुम तूफान से डरी भी हो? तो लड़की कहती है कि येस आई एम, हाँ मैं वाकई तूफान से डरी भी हूँ. द गर्ल सीम्स एज इफ शी इज़ अबाउट टू फेंट, ऐसा लगता है कि जैसे लड़की जो है वो क्या है, वो बेहोश होने वाली है. द फर्स्ट मैन पुशेस अहेड ऑफ द सेकेंड मैन, जो पहला आदमी है वो भागकर दूसरे आदमी को तकरीबन धकेलते हुए आगे बढ़ता है एंड टेक्स हर बाय आर्म, और उसको बाजू से पकड़ लेता है एंड लीड्स हर डाउन टू द बेंच, और उसको नीचे बेंच की तरफ ले जाता है. तो पहला आदमी कहता है कि शी विल बी ऑल राइट, ये ठीक हो जाएगी. व्हाई डोंट यू लीव हर अलोन, तुम इसको अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तो दूसरा आदमी कहता है कि या श्योर, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है. ही मूव्स अवे वॉचिंग द गर्ल, वो लड़की को देखते हुए वो पीछे हट जाता है. देयर इज अनदर ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, फिर दोबारा बिजली जो है वो तेज़ी के साथ चमकती है, ठीक है, यू नो एंड अ क्रैक ऑफ थंडर, और गरज जो है बिजली की गरज भी सुनाई देती है. द लाइट डिम स्लोली एंड गोज आउट, जो कमरे की रोशनी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और फिर ख़त्म हो जाती है. द गर्ल लेट्स आउट अ मफल्ड क्राई, और लड़की जो है उसके मुँह से जैसे वो आपका गला घुटा हुआ होता है और आपके मुंह से चीखें निकल रही होती हैं, तो उस चीख को मफल्ड क्राई कहते हैं. तो घुटे हुए गले के साथ घुटी घुटी सी आवाज़ें जो है वो अपने मुंह से निकालती है. तो पहला आदमी कहता है कि हेयर हैव अ च्यूइंग गम माय डियर, तो उसको कहता है कि ये लो ये च्यूइंग गम ले लो. द मैन ओपन्स द पैकेट एंड गिव्स हर वन, तो पहला आदमी जो है वो च्यूइंग गम का पैकेट जो है वो खोलता है
और उसमें से एक चिवंगम उसको देता है। द सेकेंड मैन पुशेज हिज हैंड बिटवीन दैम, तो दूसरा आदमी जो है वो भी उनके दरमियान घुसता है और कहता है कि डोंट माइंड टू हैव वन मोर डू यू, कह रहा है कि यार एक मुझे भी दे दो, ठीक है एक मुझे भी दे दो। तो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ हाँ नो नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं ठीक है ले लो कोई मसला नहीं है, गिव्स हिम वन मोर, तो वो उसके एक और दे देता है। द लाइट कम्स अप स्लोली, उतनी देर में जो लाइट है वो भी बहाल हो जाती है। तो दूसरा आदमी कहता है, उसको शुक्रिया अदा करता है, ही स्ट्रोल्स अप टुवर्ड्स द सेंटर डोर, वो दरमियानी दरवाजे की तरफ जाता है और कहता है कि गॉड व्हाट अ नाइट, ओ खुदाया कैसी रात है ये, ऑलवेज वंडर व्हाट ब्रिंग्स पीपल आउट ऑन नाइट्स लाइक दिस, कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी रातों में लोग बाहर क्या करने आ जाते हैं। अब देखो वो खुद भी बाहर है, तो यहां से आप उसका कैरेक्टर भी समझ सकते हैं कि किस तरह का है। वुडंट कैच मी आउट इफ इट वर्नट प्रीटी इंपॉर्टेंट, कि अगर मुझे कोई बहुत अहम काम ना होता तो मैं इस तरह की रात में कभी भी बाहर ना निकलता। तो वो उस आदमी को कहता है कि हाउ अबाउट यू, कि आप किस लिए बाहर निकले हो। तो वो आदमी कहता है कि टू हैव अर्ली बिजनेस इन टाउन, कि मैं तो इसलिए निकला था कि मुझे शहर में सुबह सवेरे एक काम है। तो वो लड़की से पूछता है एंड यू, कि तुम किस लिए बाहर हो। तो लड़की कहती है कि आई वॉज विजिटिंग विद फ्रेंड्स, मैं अपनी अपनी सहेलियों के पास थी, आई शुड हैव स्टेड द नाइट, मुझे रात को वहीं पर रुक जाना चाहिए था। तो अब यहाँ पर एक सस्पेंस रिवील होता है। दूसरा आदमी कहता है ओ यू आर नॉट टुगेदर देन, अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम दोनों इकट्ठे नहीं हो, क्योंकि वो पहले जो दूसरा आदमी था वो उन दोनों को समझ रहा था शायद ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या मियाँ बीवी हैं। तो आदमी कहता है नो नहीं नहीं कि हम इकट्ठे नहीं हैं। तो आदमी कहता है आई सी, ओ अच्छा, ही मूव्स डाउन टूवर्ड्स द गर्ल, वो उस लड़की की तरफ जाता है। हाउ फार डिड यू से यू वर गोइंग, तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ तक जा रही हो, तुमने कितनी दूर जाना है। तो लड़की कहती है कि नॉट फॉर अबाउट 8 miles, मैंने सिर्फ 8 मील यहाँ से जाना है। द सेकेंड मैन सिट्स बिसाइड हर एंड शी मूव्स अवे सस्पिशियसली, वो जो दूसरा आदमी है वो उसके पास बैठने की कोशिश करता है और वो मशकूक अंदाज में, सस्पिशियसली मशकूक अंदाज में वो वहाँ से क्या है हट जाती है। सेकेंड मैन, आई नेवर सॉ एनीबडी सो अफ्रेड ऑफ अ स्टॉर्म, तो कहता है कि मैंने आज तक किसी को तूफान से इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं देखा। तो लड़की कहती है कि इट्स अ लाइटनिंग आई, वो कहते हैं कि ये असल में ना मैं बिजली से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। अच्छा तो दूसरा आदमी जो है वो ये कहता है कि लाइटनिंग, अच्छा तो बिजली से तुम डरती हो, आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ इट, मुझे भी एक टाइम था कि बिजली से बहुत डर लगता था व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था, बट आई गॉट ओवर इट, लेकिन अब मैंने इस पर काबू पा लिया है, ऑल बाय माई सेल्फ टू, और मैंने इस पर खुद ब खुद काबू पाया है। ही टेक्स द गर्ल्स आर्म, वो लड़की का बाजू पकड़ता है, लुक कम हियर आई विल शो यू, तो वो कहता है कि आओ, लड़की का बाजू पकड़ के उसको कहता है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिजली का डर कैसे खत्म किया जाता है। ही लीड्स हर अप टू द विंडो रियर राइट, वो उसको जो है वो जो दाएं जानेब वाली जो पीछे वाली जो दाएं जानेब दो खिड़कियां थी ना, तो जो दूसरी खिड़की है उसके पास वो उसको लेकर जाता है, ठीक है। और यू नो कहता है कि और उसको कहता है कि वॉच द स्काई द नेक्स्ट टाइम देर इज अ बिग फ्लैश, कहता है कि जब दोबारा बिजली चमकेगी तो तुम आसमान की तरफ देखना। वन ऑफ द रियली ब्यूटिफुल साइट्स इन दिस वर्ल्ड इफ यू लुक एट इट राइट, लाइक अ ग्रेट बिग 4th of July, ठीक है। अब 4th of July क्या है, 4th of July बेसिकली अमेरिका का जो यौम आज़ादी है वो 4 जुलाई को होता है। तो वो कहता है कि जिस तरह यौम आज़ादी के दिन जिस तरह से फायर वर्कस हो रहे होते हैं, आतिशबाजी हो रही होती है, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसको देखो आसमान को तो ये तुम्हें दुनिया के खूबसूरत तरीन नज़ारों में से एक नज़ारा लगेगा। What did I tell you? अच्छा, there is a now brilliant flash of lightning, तो जब बिजली दोबारा जोरदार जो है वो चमक के साथ चमकती है तो वो उसको कहते हैं look, see, वो देखो, what did I tell you? मैंने तुम्हें क्या बताया था? It's just like it was cutting the whole world in two. ऐसे लग रहा था जैसे ये रोशनी जो है ये पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर ली है। द गर्ल ब्रेक्स अवे एंड गोज राइट, लड़की जो है वो तेजी से अलग होती है और दाएं जानिब चली जाती है। You wouldn't even watch it. तो वो कहते हैं कि तुम तो इसको देख भी नहीं रही, ठीक है। You'll never get over being afraid of things if you won't face them. तो ये बड़ी प्यारी लाइन है, कहते हैं कि जब तक तुम चीज़ों का सामना नहीं करोगी तुम उन पर कभी भी काबू नहीं पा सकोगी। लड़की कहती है कि I cannot, मैं नहीं कर सकती। There is the hum of a motor in the distance, ठीक है, हम का मतलब होता है इंजन की आवाज़। तो एक दूर से किसी इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। दे ऑल लिसन, वो दोनों वो सब गौर से सुनते हैं। द सेकेंड मैन गोज टू द विंडो, जो दूसरा आदमी है वो विंडो की तरफ जाता है। तो दूसरा आदमी कहता है कि आई गेस दैट्स इट, यप लुक्स एम्प्टी, वो कहता है कि मेरे ख्याल में गाड़ी आ गई है और गाड़ी है भी खाली। तो लड़की कहती है एम्प्टी, खाली है। तो देर इज द साउंड ऑफ ब्रेक्स,
बींग अप्लाइड, फिर उनको ब्रेकिंग लगने की आवाज़ सुनाई देती है, ईच वेट्स फॉर द अदर टू मेक द फर्स्ट मूव, तो वो सब जो है वो इंतजार करते हैं कि कौन पहले बाहर निकलता है। तो दूसरा आदमी कहता है वेल आर वी गोइंग, क्या हम बाहर जा रहे हैं या नहीं, तो पहला आदमी कहता है नो, कि नहीं हम नहीं जा रहे। तो दूसरा आदमी कहता है व्हाट, पहला आदमी कहता है आई एम नॉट गोइंग, वो कह रहा है मैं नहीं जा रहा। तो दूसरा आदमी कहता है व्हाई, कि तुम क्यों नहीं जा रहे। तो आदमी कहता है कि आई डोंट सी दैट आई हैव टू गिव योर रीजन फॉर व्हाट आई डू, तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें हर बात की वजाहत देने की जरूरत है, यानी वो उसको कह रहा है कि तुम्हें क्या तकलीफ है मैं जाऊं या ना जाऊं। तो दूसरा आदमी कहता है कि नो आई गेस यू डोंट एट दैट, तो वो कह रहे हैं कि हाँ मेरा ख्याल है कि तुम ऐसा करने के पाबंद भी नहीं हो। ही लुक्स एट द गर्ल, वो लड़की की तरफ देखता है, देन मूव्स टू हर, फिर उसकी तरफ मुड़ता है, रीचिंग फॉर अर आर्म, उसका बाजू पकड़ने की कोशिश करता है। द गर्ल वेल इन दैट केस आई गेस विल जस्ट कीप ईच अदर्स कंपनी वॉन्ट वी, तो वो उस लड़की को कहता है कि फिर ठीक है अगर ये बंदा नहीं जा रहा तो फिर इसका मतलब है कि हम दोनों ही एक दूसरे को कंपनी देंगे, एक दूसरे को साथ देंगे। द गर्ल इज स्टंड, लड़की जो है वो हैरान रह जाती है। शी लुक्स टू द फर्स्ट मैन, वो पहले आदमी की तरफ देखती है, हु स्टैंड्स बिहाइंड द सेकंड मैन, जो कि जो दूसरा आदमी है उसके पीछे खड़ा होता है। द फर्स्ट मैन शेक्स हिज हैट नो, तो वो आदमी जो है वो पीछे से उसको इशारा करता है, उस लड़की को, उसको कहता है नहीं नहीं जाना। मतलब अब यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद वो दूसरा आदमी जो है वो मशकूक लग रहा है, और जो पहला आदमी है वो क्या है, वो ऐसे लग रहा है जैसे लड़की के साथ है। द फर्स्ट मैन शेक्स हिज हेड, कहता है नो नो नहीं जाना। देयर इज द साउंड ऑफ अ हॉर्न आउटसाइड, और बाहर से एक हॉर्न की आवाज आती है। तो लड़की जो है बैकिंग अवे फ्रॉम द सेकंड मैन, तो वो जो दूसरा आदमी होता है उससे पीछे हटते हुए नो नो, और उसको कहती है नो नो आई डोंट थिंक आई विल गो ईदर, वो कह रही है मेरे ख्याल में मैं भी नहीं जाऊंगी, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगी। तो सेकंड मैन कहता है कि आई थिंक यू बेटर कम ऑन, मेरे ख्याल में तुम्हें चलना चाहिए, विल हैव इट ऑल टू आर सेल्फ, सारी बस हमारी होगी। तो लड़की कहती है नो नो आई वॉन्ट, नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, लीव मी अलोन, बस मुझे अकेला छोड़ दो, आई एम गोइंग टू स्टे हियर विद हिम, मैं इस बंदे के साथ यहीं पर रहूंगी। जो दूसरा आदमी है लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, वो पहले उस लड़की को देखता है फिर उस बंदे को देखता है। आई गेट इट, वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, वेटिंग फॉर अ बस, अच्छा तो तुम बस का इंतजार कर रहे हो, वो हंसता है मुस्कुराता है, कहता है कि अच्छा तुम बस का इंतजार नहीं कर रहे, तुम्हारा कोई और चक्कर है। नो वंडर यू हैड लॉक्ड, यू हैड द डोर लॉक्ड, तो कहता है कि अब मुझे समझ आई कि तुमने, अब मुझे कोई हैरत नहीं हो रही कि तुम लोगों ने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था। द सेकंड मैन एग्जिट्स लाफिंग, तो वो हंसते हुए बाहर चला जाता है। द गर्ल रशेज आफ्टर हिम, लड़की उसके पीछे भागती है स्लैमिंग द डोर, वो दरवाजा जो है उसको जोर से दरवाजे को बंद करती है, एंड थ्रोइंग द बोल्ट वंस मोर, एक दफा फिर वो कुंडी लगा देती है। शी लिसन्स टू द साउंड ऑफ द बस पुलिंग अवे, उसको बस जो है उसके चलने की उसको आवाज़ सुनाई देती है कि बस दूर जा रही है। देन शी टर्न्स क्विकली टू द मैन, फिर वो पहले आदमी की तरफ मुड़ती है और कहती है थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है। तो पहला आदमी कहता है कि आई ट्राई टू टेल हिम यू वर्ड हेयर, वो कह रहे हैं मैंने बताने की कोशिश की कि इस बंदे को बताने की कोशिश की कि तुम यहाँ पर नहीं हो। तो लड़की कहती है कि बट यू लेट हिम इन, इन गॉड्स नेम वाई, तो वो कहती है कि लेकिन तुमने इसको वापस आने दिया, क्यों तुमने इसको अंदर, तुमने क्यों इसको आने दिया। तो आदमी कहता है कि ही वॉज मेकिंग सच अ डिस्टर्बेंस आउट देयर, कि ये बाहर बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, बिसाइड देर वॉज रियली नो वे टू टेल फॉर कर्टन दैट, तो कह रहे हैं कि लेकिन और कह रहे हैं कि मुझे कोई यू नो कोई और रास्ता भी दिखाई नहीं दिया कि मैं दरवाज़ा ना खोलता तो और मैं क्या करता, ठीक है, टू टेल फॉर सर्टन दैट, कि मुझे तो मुझे नहीं समझ आई कि मैं दरवाज़ा क्यों ना खोलूं। तो लड़की कहती है कि नो ही इज़ गॉन, ही इज़ गॉन, आई गेस इट वाजंट, नो आई सम हाउ डोंट थिंक इट वाज, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं बस हाँ ठीक है वो जा चुका है, तो बस मेरा नहीं ख्याल कि यू नो कि ये करने की ज़रूरत थी, तो वैसे मतलब मुंह से कुछ आवाज़ें निकाल रही है। तो आदमी कहता है कि यू डोंट थिंक इट वाज ही, तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो जिस बंदे की तुम बात कर रही थी वो यही बंदा था। तो लड़की कहती है नो आई डोंट, वो लड़की कहती है नहीं मुझे नहीं लगता कि ये वही बंदा था। तो पहला आदमी कहता है कि यस यू डू, यू नो दैट वाजंट द मैन, व्हाई, दैट्स अ स्टेप टू रिमेंबरिंग, तो वो कहता है कि तुम्हें तुम्हें क्यों नहीं लग रहा कि ये वो बंदा है, इसको देखकर तो तुम्हें कुछ याद आ जाना चाहिए था। लड़की कहती है नो ओनली दैट ही लेफ्ट, वो कह रही है कि मुझे ये इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो तो चला गया, अगर वो ना जाता तो फिर मुझे शायद होता कि ये वही बंदा था और ये मुझे मारने के लिए आया था, तो जब वो चला गया तो इसका मतलब है कि ये वो नहीं था। तो आदमी कहता है कि यस यू डू, आई न्यू इट वुड कम बैक स्लोली दैट यू वुड रिमेंबर समथिंग, तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। लड़की कहती है नो, तो आदमी कहता है फर्स्ट यू वुड से
That wasn't the man because I remember, and then later that was the man because I remember. Yes, you would remember. तो लड़की के आदमी कहते हैं कि पहले तुमने ही कहा था ना कि ये वही आदमी नहीं था क्योंकि मुझे याद आया, और फिर बाद में तुमने कहा कि ये वही आदमी है क्योंकि मुझे याद आया. तो मतलब वो कह रहे कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो. लड़की कहती है नो नहीं. देर इज अनदर ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड द लाइट बिगिंस टू डिम. दोबारा फिर बिजली चमकती है और कमरे के अंदर जो रोशनी है वो कम होती है. ओ नो द लाइट, डियर गॉड नो. ठीक है, तो वो यू नो फिर वो कहती है कि रोशनी क्यों खत्म हो रही है, रोशनी क्यों खत्म हो रही है. तो मतलब उसको ना अंधेरे से डर लग रहा है. तो आदमी कहता है डोंट वरी माई डियर, यूल हैव द लाइट. ठीक है, तो वो कह रहा है कि तुम डरो मत, मैं अभी रोशनी जो है वो जलाता हूँ. अच्छा, अब यहाँ से असल कहानी जो है वो शुरू होती है. ही हैज टेकन अ फ्लैश लाइट फ्रॉम हिज कोट पॉकेट. वो अपने कोट की पॉकेट से एक फ्लैश लाइट निकालता है. द गर्ल स्टेयर्स एट इट एज द लाइटनिंग क्रैशेज अगेन. जब दोबारा जो है वो बिजली कड़कती है तो लड़की जो है वो उस बिजली की कड़क की रोशनी में उस जो फ्लैश लाइट उस बंदे के हाथ में उसको वो घूरती है. अगेन एंड अगेन एंड ऑलरेडी वेरी डिम लाइट डाइज कम्प्लीटली. और जो मध्यम रोशनी है वो क्या है, बिल्कुल बुझ जाती है. अच्छा, अब कमरे में क्या है, द पियर्सिंग लाइट ऑफ फ्लैश लाइट इज द ओनली लाइट इन द रूम. पियर्सिंग चुभती हुई, ठीक है, तेज चुभती हुई. तो अब कमरे में क्या है, तेज चुभती हुई फ्लैश लाइट की ही रोशनी है. द गर्ल रन्स अप टू द सेंटर डोर एंड पुल्स एट इट. ठीक है, लड़की जो है वो मरकजी दरवाजे की तरफ भागती है और उसे खींचती है. She bolts the door before the man comes near her. इससे पहले कि वो आदमी उसके पास आए, ठीक है, वो जो है वो वहां से, the girl runs up to the center door and pulls at it. She bolts the door before the man comes near her. इससे पहले कि वो आदमी उसके पास आए, वो जल्दी से कुंडी लगा लेती है. A door that comes here by chance to save itself from the storm jumps and seizes the man with its sharp teeth. ठीक है, एक कुत्ता जो इत्तफाकी तौर पर तूफान से बचने के लिए वहां आता है, वो छलांग लगाता है और उस आदमी को अपने तेज दांतों से पकड़ लेता है. ठीक है, सीज का मतलब होता है पकड़ लेना. द लाइट प्लेस ओवर. ठीक है, यू नो बिजली जो है वो फिर से चमकती है एंड हाईलाइट्स द इनसाइड ऑफ द रूम. और कमरे का जो अंदरूनी हिस्सा है वो रोशन हो जाता है. द डोर फोर्सेस द मैन टू रन अवे एंड द गर्ल कम्स आउट टू पैट द डोर, पैट द डॉग. तो उससे क्या होता है कि वो जो लड़का जो जो आदमी है वो दरवाजे से बाहर भाग जाता है और लड़की जो है वो वापस आकर उस कुत्ते के को थपकियां देती है क्योंकि उस कुत्ते ने उस लड़की की जान बचाई है. तो दिस मीन्स कि लड़की जो है उसको वो जब फ्लैश लाइट को देखती है तो उससे उसको अचानक से याद आता है कि यही वो बंदा था जो सारा यू नो जो सारा टाइम उसके साथ उसके सामने शरीफ बनने की कोशिश कर रहा था. तो यही वो दरहकीकत बंदा था जिसने उस दूसरी औरत को कत्ल भी किया था और यू नो सारा जो ड्रामा था वो उसी ने रचाया था. तो थीम की अगर हम इसकी बात करें तो इन दिस प्ले फ्राइटेंड यंग मैन रनिंग फ्रॉम अ किलर ऑन अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट थिंक्स दैट शी हैज़ फाउंड अ सेफ हेवन इन अ बस स्टेशन. तो एक लड़की जो है वो डरी भी होती है तो वो एक किलर से भाग रही होती है तो वो एक बस स्टेशन में पहुंचती है तो उसको लगता है कि शायद वो बच गई है. द सिचुएशन ऑफ द प्ले इज हाईली इमोशनल राइट फ्रॉम द मोमेंट द कर्टन राइजेज अंटिल इट फॉल्स. तो कहानी के शुरू से लेकर आखिर तक ये बड़ी जज्बाती कहानी है. देर इज अ टेरर फ्रॉम द आउटसेट. एक खौफ है इसमें कहानी में एंड देर आर ऑल द कंपोनेंट्स नेसेसरी टू क्रिएट अ मेलोड्रामा. डिमली lit bus station, you know, a dimly lit bus station, a storm accompanied by flashes of lightning and the promises of violent action or emotion. तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक मेलोड्रामा के होते हैं. तो ये जो आपका फर्स्ट प्ले है दैट इज बेसिकली अ मेलोड्रामा. द सीन इज टेंस एंड हाईली इमोशनल. जो इस कहानी का मंजरनामा है वो भी बड़ा बड़ा जज्बाती किस्म का और बड़ा जो है वो बड़ा टेंस है, बड़ा शदीद किस्म का है. एंड द इंग्रीडियंट्स ऑफ अ गुड थ्रिलर आर प्रेजेंट फ्रॉम द ओपनिंग स्पीच. और जो ओपनिंग स्पीच है वहाँ से भी पता चलता है कि ये एक अच्छा थ्रिलर ड्रामा है. एज इज द केस विद गुड मेलोड्रामा, थीम एंड कैरेक्टराइजेशन आर सेकेंडरी. और यू नो अगर हम मेलोड्रामा की बात करें तो उसमें थीम और कैरेक्टराइजेशन जो है वो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं. द मूड एंड द सस्पेंस ऑफ वेटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट आर द फैक्टर्स दैट ड्रू द रीडर क्विकली टू द फाइनल स्टेज ऑफ द प्ले. तो ये इसकी थीम है. ग्लॉसरी को आप देख लें, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं. The bus was late due to rush, due to storm, due to accident or due to change in schedule. तो इसका correct option है B, यानी due to storm. उसके बाद the girl was coming from the party, a tour, a hill station or a station. तो the girl was coming from the party.
उसके बाद द गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ वट द गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ अ किलर ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद शी थॉट ऑफ रीचिंग द हाउस बट लेकिन उसके साथ क्या हुआ द कार ब्रोक डाउन द ब्रेक्स फेल्ड द कार रैन आउट ऑफ गैस या द रोड वॉज ब्लॉक द करेक्ट ऑप्शन इज द कार रैन आउट ऑफ गैस. उसके बाद शी सॉ द मैन ड्रैगिंग आउट ऑफ हिज कार क्या द कॉर्प्स ऑफ अ वुमन अ सैक अ स्टैचू और अ डॉग द करेक्ट ऑप्शन इज ए द कॉर्प्स ऑफ अ वुमन. अच्छा उसके बाद यू कुडंट थिंक ऑफ समथिंग दैट माइट गिव देम अ लीड तो इसका क्या मतलब है ठीक है इसका 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 क्या मीनिंग है तो इसका मतलब ये है कि यू नो यू कुडंट थिंक ऑफ समथिंग दैट माइट गिव देम अ लीड मींस टू फाइंड अ कल्प्रेट टू फाइंड अ ट्रायर टू प्रोसिक्यूट और टू गेट अ क्लू. सो यहाँ पर क्या है टू गेट अ क्लू ठीक है. अच्छा उसके बाद शी सॉ इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग क्या उसने देखा फ्लैश ऑफ लाइटनिंग में उसने अ डॉग अ बस अ कार या अ मैन्स फेस तो इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ही सॉ अ मैन्स फेस ठीक है. अच्छा उसके बाद आगे द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ टू मैन इज कितना एक 35 साल का था और एक 30 साल का तो 5 साल का 5 ईयर्स का डिफरेंट है. इफ पीपल वर स्मार्ट दे वुडंट बी आउट ऑन अ डे लाइक दिस ऑन अ हॉलीडे ऑन अ टूर या ऑन अ नाइट लाइक दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑन अ नाइट लाइक दिस. उसके बाद द कार रैन आउट ऑफ गैस अबाउट 2 माइल्स फ्रॉम हियर ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो ये फॉल्स है पहला. उसके बाद शी वॉज टू फ्राइटेंड टू टेल द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट यस दिस इज करेक्ट. अच्छा उसके बाद द गर्ल वेंट टू द पुलिस टू रिपोर्ट द मैटर ये भी क्या है इनकरेक्ट है फॉल्स है क्योंकि वो नहीं गई. फिर उसके बाद सेकंड मैन वांटेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टॉर्म तो ये क्या है यस दैट इज करेक्ट. उसके बाद फर्स्ट मैन वांटेड टू गो टू टाउन फॉर बिजनेस यस ये भी करेक्ट है. फिर उसके बाद नंबर 6 दे हर्ड द हम ऑफ अ मोटर इन द डिस्टेंस तो यस ये भी करेक्ट है. और उसके बाद शी कुड नॉट रिमेंबर द डिस्क्रिप्शन ऑफ किलर कि उसको याद नहीं था यस ये भी करेक्ट है. उसके बाद शी बोल्टेड द डोर बिफोर द मैन केम नियर तो यस ये भी क्या है इसका भी सेंटेंस जो है ये भी क्या है करेक्ट है. तो जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने अलग वीडियो के अंदर अपलोड किए हैं उसका लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे उसमें हम जो सेकंड प्ले है आपका उसको हम स्टार्ट करेंगे. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.